Good morning, students. S3. Now we explain today the gaseous state. What are the gases? अब हम लोग क्या करेंगे बेटा? गैस को explain करेंगे. The gaseous state of the matter. Now we explain the gaseous state of the matter. अब गैस के बारे में हम लोग जो है बेटा thinking करते हैं. What are the गैसेस? तो आप एक चीज देखोगे कि गैस की प्रॉपर्टी है. सबसे पहले प्रॉपर्टी को स्टडी करते हैं. एक्सपेरिमेंटली ये सब वेरीफाई किया गया है कि गैस को जिस कंटेनर में आप रखते हो उस कंटेनर के वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेता है. द गैस अटेन द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इन व्हिच दे आर कैप्ट. जिस कंटेनर में आप गैस को रखोगे उस कंटेनर के शेप को एक्वायर कर लेगा, उस कंटेनर के वॉल्यूम को एक्वायर कर लेगा. इससे प्रूफ हो गया कि गैस का जो क्या होता है बेटा, शेप होता है एंड वॉल्यूम दोनों इनडिफिनिट होते हैं. बोथ आर इनडिफिनिट. क्यों? क्योंकि गैस की प्रॉपर्टी क्या होती है कि गैस हैव ए प्रॉपर्टी टू अटेन द शेप एंड वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इन व्हिच दे आर कैप्ट. जिस कंटेनर में इसको रखोगे उस कंटेनर के शेप को ये अटेन कर लेगा, उस कंटेनर के वॉल्यूम को अटेन कर लेगा. तो द स्टेट ऑफ मैटर्स व्हिच हैव नो फिक्स्ड शेप एंड no fixed volume are called gases. Those states of matter, those matters which have no fixed shape and volume are called gases. Okay? अब चलो बेटा बात यहां पर हम आते हैं कि इसके जो shape और volume होते हैं वो definite क्यों नहीं होते हैं, fixed क्यों नहीं होते. एक बात आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ कि एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन भी किया था कि एक्सप्लेन द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन. तो देखो बेटा कि जो पार्टिकल्स होते हैं, चाहे वो लिक्विड के पार्टिकल्स हों या सॉलिड के पार्टिकल्स हों या गैस के पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है जो एक दूसरे को बाइंड करता है, तो बाइंडिंग फोर्स बिटवीन द टू पार्टिकल्स, टू नेबरिंग पार्टिकल्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू नेबरिंग पार्टिकल्स आर कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. द फोर्स अप्लाइंग बिटवीन द नेबरिंग पार्टिकल्स इज कॉल्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ओके, दो पार्टिकल्स के बीच लगने वाला जो फोर्स होता है दैट इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो लिक्विड में हाईएस्ट, सॉलिड में हाईएस्ट होता है. सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन आर हाईएस्ट बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड एंड लेसर then particles of liquid and least no force of attraction between the particles of gas. There is no intermolecular force of attraction between the gas particles. Gas particles के बीच intermolecular force of attraction नहीं होता है, negligible होता है बेटा. मतलब ये highly free होते हैं move करने के लिए. दे आर हाईली फ्री टू मूव. ये रैंडमली मूव करते रहते हैं. दिस इज द रीजन दैट गैसेस हैव नो फिक्स्ड शेप एंड नो फिक्स्ड वॉल्यूम. व्हाट इज द रीजन दैट देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, निग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैस पार्टिकल्स. गैस पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल होता है.
इस वजह से, यही रीजन है बेटा, दिस इज द रीजन दैट देयर इज निग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैस पार्टिकल्स, दे आर हाईली कंप्रेसिबल. ये गैसेस क्या होते हैं बेटा, हाईली कंप्रेसिबल होते हैं, यानी इनको आप प्रेस करके कंप्रेस कर सकते हो. लार्ज वॉल्यूम्स को स्मॉल सिलेंडर में गैसेस फिल किए जाते हैं. व्हाई? बिकॉज दे हैव हाईली कंप्रेसिबल. अब देखो बेटा, इसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे आप लोग सुने होंगे एलपीजी व्हिच यूज इन किचन, लिक्विड पेट्रोलियम गैस. तो ये होता है क्या बेटा, पेट्रोलियम गैस होता है, पेट्रोलियम गैस. और एक होता है बेटा नेचुरल गैस. ओके, अब क्या होते हैं, गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल. इनको क्या करते हैं हम लोग, कंप्रेस करते हैं एक स्मॉल सिलेंडर में, जो हमारे किचन में यूज होता है सिलेंडर, हम लोग परचेज करते हैं इसको, सिलेंडर में क्या करते हैं हम लोग, कंप्रेस कर देते हैं और स्टोर कर लेते हैं, और इजीली इनको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं हम लोग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस एट ए लॉन्ग डिस्टेंस. लंबी दूरी तक हम लोग इसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं इजीली, एक स्मॉल सिलेंडर में लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस को कंप्रेस करके. ओके, तो इसीलिए जो हमारे सिलेंडर में होता है, कंप्रेस करने के बाद ये गैस, अगर ज़्यादा प्रेशर लगा दोगे बेटा, लो टेम्परेचर पे ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर दोगे, तो गैस इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड. तो जो हमारे सिलेंडर में होता है बेटा, वो क्या होता है, लिक्विड होता है. जो पेट्रोलियम गैस होता है वो क्या होता है, लिक्विड स्टेट में होता है हमारे सिलेंडर में. इसीलिए नाम पड़ गया क्या, एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. तो वी कैन लिक्विफाइड द पेट्रोलियम गैस बाय अप्लाइंग प्रेशर. ओके, अब होता है आपका, एक होता है बेटा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी. आप लोग मेगा सिटी में जो है इसको एज ए फ्यूल यूज करते हैं. आप परहैप्स यू हैव हियर्ड मोस्ट ऑफ द व्हीकल्स कार्स दे यूज सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस एज ए फ्यूल. तो ये फ्यूल होते हैं, पेट्रोल के प्लेस पे इसको यूज करते हैं. तो ये कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है, नेचुरल गैस होता है. गैसेस हाईली कंप्रेसिबल होते हैं, इनको क्या कर देते हैं, कंप्रेस कर देते हैं और लार्ज वॉल्यूम को एक स्मॉल सिलेंडर में फिल कर देते हैं. ओके, तो इस तरह से हमारा जो गैसेस होते हैं वो हाईली कंप्रेसिबल होते हैं. ये चीज प्रूफ हो गया बेटा. अब देखो होता क्या है, जैसे आप लोग की बात करते हैं हम लोग रेट ऑफ डिफ्यूजन. अब आओ चलो बेटा कंपेयर करते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन सॉलिड लिक्विड गैस. रेट ऑफ डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन किसमें किसमें होगा बेटा, सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में. सॉलिड के पार्टिकल्स हाईली अट्रैक्टेड, देयर आर स्ट्रांग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सॉलिड पार्टिकल्स. ओके, तो इनका रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा, लिस्ट. ओके, अच्छा इसके कंपेयर में इसके जो है होते हैं पार्टिकल्स, लिक्विड के पार्टिकल्स जो होते हैं अधिक फ्री होते हैं. तो इसके कंपेयर में ये क्या होगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन इसका हायर होगा. और गैस के पार्टिकल्स के बीच जो इंटरमॉलिक्युलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं वो निग्लिजिबल होते हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन किसका होगा बेटा, गैस पार्टिकल्स का. तो द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इज हाईएस्ट, सबसे ज़्यादा डिफ्यूजन किसका होता है, गैस का. इसको कैसे प्रूफ करते हैं आप देख लीजिए. जो आप लोगों का फूड कुक होता है,
ड्यूरिंग द कुकिंग ऑफ फूड एरोमा ऑफ द कुक्ड फूड हॉट कुक्ड फूड होता है उसका एरोमा एरोमा मीन्स क्या होता है बेटा ए टाइप ऑफ स्मेल एरोमा मीन्स क्या होता है बेटा ए टाइप ऑफ स्मेल तो पार्टिकल्स ऑफ एरोमा मिक्सड विथ एयर एयर में ये क्या कर जाते हैं डिफ्यूज कर जाते हैं पार्टिकल्स ऑफ एरोमा स्मेल के पार्टिकल्स एरोमा मीन्स ए टाइप ऑफ स्मेल स्मेल के पार्टिकल्स क्या होते हैं इजीली डिफ्यूज हो जाते हैं एयर के पार्टिकल्स ओके एंड दस दे स्प्रेड ओवर द एंटायर रूम ओके नाउ वी एक्सप्लेन दैट जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं ये जो होते हैं हाईली फ्री होते हैं मूव होने के लिए गैस पार्टिकल्स आर हाईली फ्री टू मूव रैंडमली आप कंटेनर में इसको रखे हो कंटेनर में ये क्या होते हैं फ्री जो होते हैं मूव करने के लिए और जब फ्री मूव करते हैं बेटा तो जिस कंटेनर में आप इसको प्लेस करते हैं उस कंटेनर के वॉल से जाकर स्ट्राइक करते हैं गैस पार्टिकल्स आर हाईली फ्री टू मूव एंड दे मूव रैंडमली ड्यू टू रैंडम मोमेंट ऑफ गैस पार्टिकल्स दे स्ट्राइक दे हीट द वॉल्स ऑफ द कंटेनर दे स्ट्राइक द वॉल्स ऑफ द कंटेनर ये कंटेनर के वॉल से टकराते हैं बेटा मतलब कि कंटेनर के वॉल पे जाकर फोर्स अप्लाई करते हैं और जब फोर्स अप्लाई करते हैं तब यहाँ पर देखिए फोर्स अप्लाई पर यूनिट एरिया फोर्स अप्लाई पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर इसी को क्या कहते हैं बेटा प्रेशर व्हाट इज प्रेशर फोर्स अप्लाइड परपेंडिकुलरली पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर प्रेशर व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रेशर फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलरली इज कॉल्ड प्रेशर तो ये गैस पार्टिकल्स क्या होते हैं वो कंटेनर के जो वॉल्स होते हैं इस पर स्ट्राइक करते हैं यानी कि फोर्स अप्लाई करते हैं तो पर यूनिट एरिया फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर और गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो वॉल के कंटेनर से स्ट्राइक करते हैं और कंटेनर के वॉल पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो यही जो है फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर दिस इज कॉल्ड गैसियस प्रेशर एंड दस गैसियस पार्टिकल्स एग्जर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर तो नाउ लिसन टू मी व्हाट इज द प्रेशर ऑफ द गैस गैसियस प्रेशर व्हाट इज द गैसियस प्रेशर लिसन अगेन द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द गैस पार्टिकल्स ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर इज कॉल्ड गैसियस प्रेशर व्हाट इज द गैसियस प्रेशर द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द गैस पार्टिकल्स ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर इज कॉल्ड गैसियस प्रेशर ओके थैंक यू